हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण। आज आप लोगों को मतलब जो मैंने पहले पॉटिंग दिखाई थी उसमें दो पेड़ मेरे बच गए थे, तो वो मैंने पॉट का इंतजाम कर लिया, तो पॉटिंग की है। और एक मेरा करोटन का पेड़ था जो मैंने डिब्बे में लगाया था, तो मुझे लगा उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसकी रीपॉटिंग की है मैंने। तो ये देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी बताया था, पॉलीबैग में इसकी जड़ आ चुकी है, ब्रांचेज भी हल्की हल्की ग्रो हो चुकी हैं। तो ये मैंने प्लास्टिक का डालने का डिब्बा होता है उसका यूज़ किया है इसको मतलब लगाने के लिए, क्योंकि ये क्रीपर है, वाइन है, तो इसलिए मैंने उसी का यूज़ किया। आप चाहें तो पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसकी पॉटिंग हो चुकी है। और ये है मेरा बोगनविलिया का पेड़, तो एक ही अवेलेबल हो पाया, तो ये मैंने 10 इंच के पॉट में इसको लगाया है, ग्रो किया है। ये मैंने पॉट ऑनलाइन मंगाया था। तो ये है, ये देखिए, इसकी भी जड़ें ग्रो कर चुकी हैं। ये मतलब पॉलीबैग में ही ग्रो किया था। देखिए, इसमें भी एक नई ब्रांच आई हुई है। और ये इसके मैंने पॉटिंग कर दी है। मैं सोल मिक्सचर सेम वही है जैसे मैं बताती हूँ, मस्टर्ड केक एंड हल्दी पाउडर डाल के ही मैंने सोल तैयार की है, और मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही डाला है। ज़्यादा कुछ सोल में मैंने डाला नहीं है, तो सोल मैंने वैसे ही तैयार की है। नीचे सूखी लीव्स डाली है, इसकी भी मैंने पॉटिंग कर दी है। ये देखिए, ये मेरे करोटन का पेड़ है जो मैंने डब्बे में लगाया था, तो इसकी ग्रोथ मुझे लगा कि जैसे रुक गई है, तो इसको मैंने ये देखिए टूल की मदद से ठोका है पहले, और फिर थोड़े धीरे धीरे करके टूल से ही साइड साइड से इसकी मिट्टी को हटाएंगे। ये देखिए, आप चाहे तो खुरपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर नई टूल है आपके पास तो आराम आराम से करिएगा, नहीं तो फिर इससे जड़ें, बस बीच की जड़ें इसकी डैमेज नहीं होनी चाहिए, किनारे की मतलब डैमेज होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से ऐसे ठोक के इसको देखिए मैंने निकाल लिया है। पॉट पकड़ने के लिए किसी की सहायता कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, वरना मतलब पॉट निकलेगा नहीं, वो नीचे से पुश करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने इसको भी रिपॉट कर दिया। ये मेरे तीनों प्लांट्स रिपॉट हो चुके हैं। और ये देखिए, ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, मेरे करोटन की ग्रोथ है रिपॉट करने के बाद, ये दूसरे पॉट में जो मैंने रिपॉट किया है। और ये देखिए, मेरा एक जोरा का पेड़ का ग्रोथ है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, जो मैंने पहले पॉटिंग में दिखाई थी आप लोगों को, इसमें अब फ्लावरिंग हो रही है, और इसके मतलब ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है जो आप लोगों को दिख रहा है वीडियो में। ये देखिए, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है, ग्रीन ग्रीन हो गया है, और फ्लावरिंग भी खूब अच्छी दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम पे ये। और मेरे जो बोगनविलिया वगैरह और मतलब मधुमालती का भी मैंने जो पॉटिंग आप लोगों को पहले मतलब दिखाई है, और बोगनविलिया है जो मेरा मधुमालती है, उसकी भी देखिए ग्रोथ हो रही है। मैंने पॉटिंग की है और उसके बाद अभी ये देखिए 10 से 15 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ देखिए कितनी हो चुकी है। इसलिए फ्रेंड्स, गार्डनिंग करिए, सिंपल गार्डनिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सुंदर प्लांट्स तैयार होते हैं, और फ्लावरिंग भी खूब अच्छी होती है। इस टाइम मेरे गार्डन में भी काफ़ी पेड़ों में फ्लावरिंग हो रही है। जो जो पेड़ मेरे फ्लावरिंग कर रहे हैं उनकी वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे फ्लावरिंग हो रही है मेरे गार्डन में। और ये देखिए, सबकी ग्रोथ मैंने दिखा दी है। देखिए, मधुमालती में भी इतने बड़े बड़े इसकी ग्रोथ हो चुकी है, ब्रांचेस हो चुकी हैं, इसकी नई नई लीव्स आ चुकी हैं। ये देखिए, इसकी भी आगे ये देखिए नई लीव्स हैं, ये ब्रांच है इसकी इतनी लंबी हो चुकी है। ये देखिए, इसके पत्ते देखिए कितनी हेल्दी हैं और ग्रीन मतलब ग्रीन है, काफ़ी अच्छे ग्रीन हैं। ये देखिए, ये थी फ्रेंड्स मेरे प्लांट्स की रिपॉट और ग्रोथ। और ये देखिए मेरे प्लांट्स के फ्लावर। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।